आपकी मम्मी के लिए तो ये केक होना चाहिए, इतनी अच्छी तो दिखती है। ठीक है, एक सबसे बड़ा प्रेजेंट मेरी तरफ से, इतनी सी फोटो नहीं तो मामूली फोटो होती है, मामूली फोटो होती है। इतनी बेटू कहाँ से है? आपकी मम्मी और आपके पापा की फोटो ये। चलो निकाल दो वापस के लिए। ऐसा करिए, थैंक यू ना भाई साहब, केक बहुत अच्छा है, केक बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई साहब और बहन जी, केक बहुत सुंदर है। राम राम जी। तो आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक भाटी पे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमने पहले वाले व्लॉग को इतना प्यार और सपोर्ट दिया, तो बस आप सब ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो। और भाई मार बहुत बुरी लगी है जैसा कि आपने देखा होगा। तो आज है मम्मी पापा जी की एनिवर्सरी, तो आज मैं जा रहा हूँ अभी दीपशिका के पास। तो उससे पहले दीपशिका ने व्लॉग बनाया मम्मी पापा जी के लिए गिफ्ट्स लिए, तो आप वो जाकर देखो, दीपशिका से मिलकर आओ, फिर मैं मिलता हूँ आपसे। चलो अभी बेसिकली क्लास चल रही है, क्लास होने के बाद मैं एक जगह जाऊंगी, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी जब जाऊंगी, फॉर श्योर उसी की थोड़ी सी तैयारी है, तो जहाँ जाऊंगी दिखाऊंगी अभी आपको, स्टे ट्यून। जब भी चल रही क्लासेस, सो ये मेरी प्रोफेशनल की स्टूडेंट है, ऑलमोस्ट उनका कोर्स वैसे कम्प्लीट हो चुका है, परसों इनका टेस्ट डे है मैम का, रेडी रहना, परसों भी मैं आपको दिखाऊंगी, सारा दिन हमारा शूट चलेगा। और अभी मैं इस क्लास के बाद एक जगह जाने वाली हूँ, वो भी दिखाऊंगी अभी कहाँ जाऊंगी। दोनों आईज साथ के साथ कवर अप करो, ठीक है? फाइनली इसने ये मेकअप कर लिया, खुद से किया, थोड़ा थोड़ा सा बीच में पूछा था, अब आ गया सब कुछ समझ में ना, क्लियर? चलो जो भी रह गया बाकी कंप्लीट करो। आईज क्लोज करो, ओपन। सो गाइस, शी हैज़ डन दिस मेकअप हरसेल्फ, इसका कोर्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस वन डे लेफ्ट है। सो आई एम ऑलमोस्ट रेडी एंड मैं जा रही हूँ अब गिफ्ट लेने। क्या गिफ्ट लिया है वो अभी पीछे की वो हालत इग्नोर करना, ऐसे ही कपड़े हैं बेसिकली, ठीक है? तो मैं अभी जा रही हूँ अभी गिफ्ट लेने। सो अभी क्या गिफ्ट है मैं आपको शॉप पे जाके दिखाती हूँ, ओके? चलो वी गाइज, आई एम ऑन द शॉप एंड गिफ्ट रेडी है, वो देखिए सबको दिख ही गया होगा। जी भैया, बैलेंस है ना अभी आपका? कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। मैं गिफ्ट्स को पैक कर रही हूँ फाइनली। एक मैंने मम्मी जी के लिए सूट लिया था, ये सूट मैंने वहीं से लिया था जहाँ लास्ट व्लॉग में अंजलि दीदी के साथ मैंने व्लॉग बनाया था। बेसिकली मैंने इसके दो सूट लिए थे, एक मैंने मम्मा को दिया था सेम यही सूट, वो येलो कलर में है, और ये मम्मी जी के लिए रेड कलर में। तो चलो करते हैं पैकिंग स्टार्ट। मैंने फ्लावर भी मंगाए थे मम्मी से, हाँ फ्लावर, मम्मी शायद फ्लावर लाना भूल गई आई थिंक। हाँ गाइस, मैंने रिबन फ्लावर्स मंगाए थे, वो मम्मी भूल गई है, कोई नहीं, अब जितना सामान है मैं उससे पैक करती हूँ। चलो ओके गाइस, तो गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं। आप लोग सोच रहे हो मैंने सिर्फ मम्मी जी के लिए गिफ्ट लिया था, ऐसा नहीं है, पापा जी के गिफ्ट ऋतिक के पास है, अब ये गिफ्ट्स वहाँ जाएंगे, देखते हैं ऋतिक आएंगे शाम को तो वो ले जाएंगे। ओके गाइस, सो गिफ्ट्स पैक हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमने ये चीज़ डिसाइड की है बिकॉज हम लोग डेली डेली मैं और ऋतिक नहीं मिल सकते, एज यू ऑल नो वी आर एंगेज्ड, बट हम डेली डेली मिलना इज़ नॉट अ पॉसिबल, ओके? सो हमने ये सोचा है कि ऋतिक तो अपनी डेली व्लॉगिंग दिखाते ही हैं, ऑब्वियसली सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आई ऑल्सो थॉट कि मैं भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें अब से शेयर करा करूँगी, बट मैं बहुत अच्छी व्लॉगर नहीं हूँ, सो प्लीज़ उसको इग्नोर करना, बट व्लॉग पूरा देखना, स्किप मत करना। सो आज का व्लॉग मेरी तरफ से यहीं एंड अप होता है, तो प्लीज़ व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्लीज़ ऋतिक के चैनल को ज़रूर ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, राम राम्स। हाँ जी, तो कैसे लगे आपको गिफ्ट्स? तो मेरी आवाज़ ना भाई थोड़ी बैठी बैठी हो रही है क्योंकि ना मैंने कल ठंडा पानी पी लिया है। तो गिफ्ट्स कैसे लगे? तो अभी चलते हैं सीधा दीपशिका के पास, शायद मेरे ख्याल से दिखा दिए दीपशिका ने, है ना? और नहीं दिखाए होंगे तो अभी दिखा दूंगा मैं, ठीक है? तभी दीपशिका के पास चलते हैं, जो गिफ्ट्स वो लाई है ना वो वहाँ से लेकर आने हैं, फिर मम्मी पापा जी को दूंगा, ठीक है? तो बस आप वेट करो थोड़ा सा, फिर चलते हैं। अभी अन्नू आए, कुछ सामान मंगवाया है, तो अन्नू आ रहा है सामान लेके सीधा चलेंगे। चलो तो जी, एक चॉकलेट अनायशी की, एक चॉकलेट दीपशिका की आ चुकी है, अभी चलते हैं सीधा दीपशिका के पास। चलो
अरे हम तो फंस गए जाम में, देखियो मुझे आना तो उस रास्ते से, इधर लग रहा है बाजार। अब ऐसा निकालनी पड़ रही है, एक देखियो हट जा चलो जी फाइनली निकल तो गए, चलो अब आगे ना हो बस जाम। तो जी फाइनली आ चुके हैं दीपशिखा के पास, अभी तो मैं दीपशिखा से मिलवाता हूँ और क्या क्या गिफ्ट लाई है दीपशिखा वो तो खैर आपने देख लिए होंगे और एक बार फिर दिखाता हूँ आपको। चलो और नाइची से भी मिलवाऊंगा अभी। तो जी हमारे बीच में आ चुकी है नाइची, देखो बोल सुनो ये क्या है, ये बलून है, माची मेरे लिए भी गई, माची आपके लिए लेकर आई थी। हाँ, मैंने भी आपके लिए गिफ्ट पैक किया। क्या आपके लिए कैसे मम्मी के लिए, मैंने बस चिकन मसाला से बोल दिया किसी के लिए लेके आ जाना। अच्छा फिर और क्या क्या लेकर आए आप? शायद मैं आपकी मम्मी के लिए कहा था। अच्छा क्या कहा था? कह रहे की मम्मी आपकी मम्मी के लिए ना वो गिफ्ट पैक कर दे। तो कर दिया आपने? हाँ मैंने कर दिया। तो मैं कौन हूँ आपका? रितिक मसाजी। आई लव यू। आई लव यू। चीका माची कहाँ गई है? चीका माची आज तो सही दुकान पे। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? पीछे रख दूँ? नहीं मैं पीछे हो जाऊँ। क्यों नहीं आप पे आगे बैठो? ठीक है लेकिन गाड़ी के ना मैं भूल जाऊंगी। ठीक है आ रही है अभी। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम अभी जा रहे हैं केक लेने। केक लेने? किसके लिए? आपके मम्मी के लिए। हाँ, क्योंकि आज एंडी पेंडी है। क्या है? एंडी पेंडी। मैंने आपको क्या सिखाया था? एंडी पेंडी हिस्ट्री। और न्यूज़ के अलावा चिक्का पिक्का बू। चिक्का पिक्का बू। मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ, आपने देख लिया? नहीं, नहीं देखा? सरप्राइज है। ठीक है अभी आ रहे थे चीका माची को। अगर वो मेरे हाथ में चॉकलेट, मुझे पता है आप चॉकलेट लाए हो, अगर चिक्की मेरे हाथ में तुम्हारी जितनी बड़ी जितनी तुम लाते हो उतनी बड़ी चॉकलेट देख रहे थे, घर जाकर लाल मुंह से मुझे डांटती है। हैं? क्यों? वो है उसका। अच्छा तो आपकी तबीयत खराब हो जाती है ना, वो इसलिए चॉकलेट नहीं खिलाती है आपको। हाँ ये कोई बात नहीं है, चॉकलेट से मुझे कोई एनर्जी एनर्जी आज चिक्की के गुदगुदी करेंगे। कर दो नहीं 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 प्लीज गुदगुदी की कोई बात नहीं यार, मत करो वो ब्लॉग बना रहे हो तुम। अनाइशी इनको गुदगुदी से वो होती है ना एलर्जी। हाँ। एक बार और कर दो फिर चल रहे हैं। नहीं चलो अच्छा तो जी अभी चलते हैं केक लेने। चलो चिक्का पिक्का बू। ये लो नाइशी जी आपके लिए। कोटी पाय। आपकी मम्मी को कौन सा केक पसंद है? रखो सारे मेरे लिए। सारे ले लो। अपने फेवरेट देख लो, आपकी मम्मी को क्या फेवरेट केक? या फिर आप ये अपनी मम्मी को तो दिखाओगे ना? हाँ ये हमारे हैं। आपकी मम्मी के देखो वो सबसे खास वाला होना चाहिए। कौन सा वाला? के पीछे है वो वाला रेड वाला। पिंक कलर का। ठीक है ठीक है बोल। राधे राधे बहन जी। राधे राधे बहन जी। क्या क्या लिया आपने बता दो। जिसके ऊपर लो वो कैसे बिकेगा? आ जाओ नाइशी दो मुझे दो। मेरा। यार ये टेढ़ा मेढ़ा माल है। ये मेरा हो गया ना। एक सेकंड पीछे आओ। मैं लिसा करो। पता ही नहीं मेरा हो गया। इधर करो अब ये बीच में रखो बिल्कुल। या इसे इसे बीच से बीच में रखो यहाँ पे। ये हटाओ। इसे बीच में रखो बिल्कुल यहाँ पे बाहर। चलो। चले ना जी। हाँ चलते हैं। कौन है? ये कौन लाया? ये मेरा और आपका सेम हो गया।
लो इनको बता दे कौन है। इन्हें मेरी बनाई थी, सारी ऐसी भी बनाती थी ना, जैसे कि असली ना कोई बिल्कुल वैसा ही हो। बहुत अच्छी है। और मैं भी मेकअप करने में कम नहीं हूँ। हाँ, और मैं गाइस, मेरे फोन की तो चली गई थी स्पेस, बैटरी स्पेस। अब सारा व्लॉग बनेगा ऋतिक के फोन से, है ना? सेम है ना, उन दोनों ने पहनी सेम टी शर्ट। अब देखा है आपने? देखा नहीं था जब से? ये दोनों की सेम ही तो है, देखो नेक का डिजाइन, देखो दोनों का सेम है। ये भी देखो, ये भी सेम। देखो देखो आपका भी, ये रहा। आप इसने अब देख लिया? अरे वो इसीलिए बताए दोनों सेम पहनोगे, मैचिंग। ओ माय गॉड, वो कर दो राधे राधे बहन जी। अच्छा वो बता दो आज पार्क में क्या हुआ था? आज पार्क में बहुत लाइन हुई, बहुत चिकी चिकी लंबी लंबी लड़कियां थी वहां, वो और कुछ मेज नहीं थी, हम कुछ पीछे आगे सिर पे मुंह पे मार रहे थे, तो मैंने उनके इसमें क्या है ना इसी? पता नहीं। और इसमें क्या है? इसमें प्रेजेंस। और पता है एक सबसे बड़ा प्रेजेंस मेरी तरफ से, उसमें आपकी मम्मी और आपके पापा बन रहे हैं। हाँ। और पता है इतनी सी फोटो नहीं, तो मामूली फोटो होती है वो इतनी सी नहीं है, कितनी हाँ। बड़ी है ना ऐसा जितनी मम्मी ने दे रहा तो नहीं बेटू कहाँ से है? और आपके पापा की फोटो कहाँ से? ये वाओ इतनी बड़ी, पहले ही बता वो तो पहले ही बता रखा मैंने। किसकी तरफ से है ना ऐसी? है मेरी तरफ। आपकी तरफ से ये? ठीक है, ये कांच की है। अब वो तो बोल दो, वो बोल दो हैप्पी एंडी पेंडी मसरी बोल दो। तो जी अभी ना मैंने 5 मिनट पहले एक स्टोरी डाली थी कि ना सबके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, ठीक है? पहले तो जय बाबा मोहन की ठीक है, तभी क्वेश्चंस के आंसर देते, क्वेश्चन आंसर्स का भी व्लॉग बन जाएगा इसी बहाने। बताओ तो पहले क्वेश्चन क्या है भाई? आप कितने भाई हो और कितनी कार है? भाई मेरे बहुत सारे भाई है, आप भी मेरे भाई हो, आई को लव यू से, ठीक है? मेरे सारे भाई है, ठीक है? और भाई गाड़ी हम पे एक ही है, देखो ये हमारी रानी धोड़े मुंह की। भाई आपको कौन सी बुलेट चाहिए, क्लासिक या स्टैंडर्ड? भाई मैं तो कोई सी दिवा दो, इस टाइम बुलेट चल रही है। ओके शादी कब करोगे भाई? भाई शादी बहुत जल्द होने वाली है, शादी के ऊपर प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है? शादी की डेट पता, शादी के ऊपर पूरा, शादी के ऊपर पूरा व्लॉग नहीं, मतलब शादी की डेट फिक्स होते पूरा व्लॉग बनाऊंगा, इस चीज का प्रॉमिस है। आपने बताया नहीं आप भाभी से पहले कब और कहाँ मिले थे? भाई मैं पहली बार भाभी से कह रहा हूँ, मैं पहली बार दीपशिखा से मिला था भाई इंस्टा पे, ठीक है? और जो पूरी स्टोरी है ना उसके लिए सब आएगा व्लॉग्स में, ठीक है? अगर आपने मेरे इस व्लॉग पर, अगर मैं कह रहा हूँ अगर मेरी इस वाले व्लॉग पर अगर तुमने मेरे 200 या 400 लाइक करवा दिए ना, अगर लास्ट 400 लाइक करवा दिए तो मैं और दीपशिखा अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगे, दीपशिखा से कहाँ मिला, कैसे मिला, हमारी कैसे बात हुई, ठीक है? तो मैं तुम्हें सब बताऊंगा, ठीक है? तो आप बस इस वाले व्लॉग में ना सिर्फ 400 लाइक करवा दो तो मैं ना व्लॉग बनाऊंगा कि मैं दीपशिखा से कहाँ मिला, कब मिला, कैसे मिला, हमारी कैसे बात हुई, पूरी जो हमारी स्टोरी है कि हम कैसे मिले, कहाँ मिले, पूरा व्लॉग बनाऊंगा उसका, प्रॉमिस। चलो भाई आपकी वाइफ बिल्कुल एंजल जैसी है, आप भी स्मार्ट हो, दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है। थैंक यू मेरे भाई, आई को लव यू। और ज्यादातर सबके क्वेश्चन से भाई बुलेट आपको लेनी है क्या, एक क्वेश्चन ये है और बाकी ये कि शादी कब कर रहे हो भाई, आप शादी कब कर रहे हो भाई? शादी की डेट ना भी फिक्स जैसे ही होती है, सबसे पहला व्लॉग शादी की डेट फिक्स कर बनाऊंगा, प्रॉमिस है, आप बस वेट करो अभी थोड़ा सा। भाई आप भाभी से पहले से बात करते थे? पहले से कब से नहीं? नहीं पहले से बात नहीं करता था, हाँ लेकिन ये की बात इंस्टा पे हुई थी। बस चलो तो भाई आज के क्वेश्चन इतने ही है, तो मैं भी अब चलता हूँ घर सीधा, और ये रख के सारे गिफ्ट अभी चलते हैं घर सीधा। चलो तो जी गाड़ी में डलवा लेते हैं पेट्रोल, हमारे बीच में आ चुके हैं अनु भाई। तो जी फाइनली आ चुके हैं घर, अभी आपको दिखाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं क्या क्या गिफ्ट आए।
दीपशिका ने बताया था व्लॉग्स में कि कौन कौन से भेजता था अभी ना, पापा जी के जो पापा जी के लिए कपड़े हैं और क्या नाम है, मम्मी का रिएक्शन पापा का रिएक्शन दिखाते हैं आपको व्लॉग में, वो गिफ्ट ओपन करेंगे तो रिएक्शन दिखाते हैं आपको। चलो भाई राम। तो जी ये रहे गिफ्ट्स, मम्मी पापा जी खोल के बताएंगे आपको, पहले ये खोल के दिखो। ये खोल था जी। चलो निकाल दो वापस के लिए, पीछे को जो मैं दी थी ये ना इसी में दिया मम्मी। ये वो गिफ्ट बहुत बड़ा है। आपके लिए सूट है ये, पापा जी के कपड़े दीक्षिता ने बहुत खर्चा कर दिया। खोले लो लो मम्मी लो, मैंने तो दे रही सारे गिफ्ट। ये मम्मी जी की तरफ से, मम्मी जी की तरफ से एक ये भी खोलो। ये क्या दिखाओ, मैं दिखाओ भाई, इन भाई दिखाओ, दिखाओ इन भाई, निकाल के दिखाओ। एक पापा के लिए, मम्मी के लिए कुछ खाना, मैगी वैगी। चलो मम्मी अभी ये हल्के, चलो ये पापा जी की तरफ से कहो। पहले देख के हटा, नहीं हटा देख के, तो ये किसी काम पे लगा रखा, वो काम करो। केक दिखा आपको, केक देखो भाई, ये देखो क्या लिखा है, ये देखो समझी समधन। थैंक यू भाई थैंक यू भाई साहब, बहन जी इतना खर्चा कर दिया, बताइए केक बहुत अच्छा है। थैंक यू भाई साहब और बहन जी, केक बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है। नायसा ने भी एक बात बोली है, इसमें कह रही जैसा ये केक है ना, जितना सुंदर ये केक है उतनी सुंदर आपकी मम्मी है। थैंक यू बेटा। देखो केक दिखा दो भाई, केक दिखा दो भाई, केक कैसा, फोटो खींच लेते भाई। कैसे मिलेगा तो जी, केक कटेगा। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। ये असली के फूल है, कभी नकली समझ कर खा जा, खा ले अब मिले खाने के लिए। तो जी अभी मिलते हैं थोड़ी बहुत देर बाद, ठीक है। चलो।